महादेव जी आज आपको एक संदेश दे रहे हैं, यह व्यक्त करते हुए कि हाल के संचार में धैर्य मुख्य विषय रहा है। गीतों, वार्तालापों और सपनों के माध्यम से सूक्ष्म संकेत आपके पास भेजे गए हैं। आपके द्वारा सामना किए गए प्रत्येक परीक्षण का उद्देश्य आपकी प्रगति में बाधा डालना नहीं था, बल्कि इसे बढ़ावा देना था। आपकी आत्मा एक महत्वपूर्ण सफलता के लिए तैयारी कर रही है, बस संयम रखें। यहीं पर आपके परिवर्तन के परिणाम प्रकट होने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि आप वास्तव में दैवीय रूप से कितने सुरक्षित हैं। पुराने चक्रों को दोहराने का युग बीत चुका है, ये संरेखित करने का समय है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं, तो पहचाने कि आपके वर्तमान अनुभवों या क्षितिज पर मौजूद अनुभवों के पीछे एक उद्देश्य है। भले ही अब समझ आपको भटका रही हो, भरोसा रखें कि आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक घटनाओं का आयोजन कर रहे हैं। वे बातचीत और बाधाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, जिन्हें आप शायद नहीं समझ पाते। वे आपके दिल में मौजूद प्यार और आपकी आत्मा के सार के बारे में जानते हैं। भरोसा रखें कि वे जानते हैं कि जिस भविष्य की आप इच्छा रखते हैं, उसके लिए परिस्थितियों को कैसे पुनर्व्यवस्थित किया जाए। परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन प्रतिरोध को छोड़ना, स्वीकृति को अपनाना और प्रवाह के साथ चलना एक नए रास्ते पर आपके समायोजन को तेज कर देगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा रखते हैं और एक नए अध्याय के लिए तैयार हैं, तो 1111 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अपनी लड़ाई में कभी अकेले नहीं हो। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मुझ पर झुक जाओ। जब आप अनिश्चित हो तो मेरा मार्गदर्शन लें, और जब तुम खो जाओ तो मुझे पुकारना और मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास के साथ आप किसी भी तूफान से निपट सकते हैं। मैंने तुम्हें उद्देश्य और प्रेम से बनाया है। मैंने तुम्हारे भीतर अद्वितीय प्रतिभाएं और उपहार रखे हैं। उस उद्देश्य पर विश्वास करें, उन उपहारों पर विश्वास करें और जानें कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्ज्वल भविष्य की योजनाएं हैं। हर चुनौती में सबक, हर दर्द में विकास और सबसे अंधेरे क्षणों में भी रोशनी होती है। कभी कभी जीवन के संघर्ष आपको आकार देने, ढालने और आने वाली बड़ी चीजों के लिए तैयार करने के लिए होते हैं। उन्हें गले लगाओ, उनसे सीखो और हमेशा याद रखो, मैं उन सब के माध्यम से तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो। जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है, उस दिन से लेकर अब तक तुमने जो भी कदम उठाया है, जो भी निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मेरे प्रति मेरे प्यार को कम करने के लिए कर सकें। तुम मेरे बच्चे हो और वो बंधन शाश्वत है। मैं जानता हूँ कि कई बार आप अपनी योग्यता पर सवाल उठा सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कि दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन हमेशा याद रखना, मेरी नज़र में तुम अमूल्य हो। मेरे दिल में आपका एक विशेष स्थान है और इस विशाल ब्रह्मांड में आपकी एक अनूठी भूमिका है। इसलिए जब भी आप हारा हुआ महसूस करें, तो एक गहरी सांस लें और आपसे किया गया मेरा वादा याद रखें। मेरे पास पहुँचें, मार्गदर्शन मांगें, शक्ति मांगें और वह दी जाएगी। आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। दुनिया भ्रमित करने वाली हो सकती है, लेकिन मेरे साथ होने पर आप स्पष्टता पा सकते हैं। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। आशा के साथ हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और प्यार से हर घाव ठीक हो सकता है। अपने विश्वास को कायम रखो प्यारे बच्चे, इसे वो सहारा बनने दें जो आपको कठिन समय में स्थिर बनाए रखे। आशा को वो रोशनी बनने दो जो अंधेरी रातों में आपका मार्गदर्शन करती है, और प्रेम को वो शक्ति बनने दें जो आपको महानता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। निराशा के क्षणों में याद रखें कि मैं बस एक पूजा दूर हूँ। आपको अपनी लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, मेरे साथ जीत निश्चित है। यदि आप महादेव जी के समय पर विश्वास करते हैं, तो 1111 टाइप करें। हर चुनौती, हर बाधा आपके लिए बढ़ने, विकसित होने और मेरे करीब आने का एक अवसर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे तुम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुमसे बिना शर्त और अनंत काल तक प्यार करता हूँ।
मुझ पर विश्वास करो, मेरी शक्ति पर विश्वास करो और जान लो कि मैं सिर्फ एक सेकंड में तुम्हारा जीवन बदल सकता हूँ। तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें प्यार किया जाता है और तुम मेरी हो, मेरे प्यारे बच्चे। जीवन कहानियों का एक सुंदर संग्रह है जो खुशी, दुख, चुनौतियों और जीत के क्षणों से जुड़ा हुआ है। और जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही आपके जीवन की कहानी भी बदलती है। आज आप तूफानों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे आसमान साफ रहेगा। बहुत जल्द आपका जीवन एक मोड़ लेगा और आप चमत्कारों, सफलता और अपार प्रेरणा की कहानी सुनाएंगे। आज आपके सामने जो चुनौतियाँ हैं, वे अस्थाई हैं। वे आपके जीवन की भव्य कहानी के संक्षिप्त अध्याय हैं। मैं देखता हूँ कि आप किस संघर्ष से गुजरते हैं, आप किस दर्द को सहते हैं और आपके आंसू बहाते हैं। लेकिन याद रखें, हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। और इस प्रकार आपका जीवन भी परीक्षणों से विजय की ओर परिवर्तित हो जाएगा। आपके द्वारा झेला गया प्रत्येक झटका आपको उन चमत्कारों के लिए तैयार कर रहे हैं जो सामने आने वाले हैं। ये सिर्फ सामान्य चमत्कार नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाले चमत्कार हैं, जो आपके भाग्य को नया आकार देंगे। वो प्रकार जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा, आपको एहसास दिलाएगा कि हर चुनौती का एक उद्देश्य होता है जो आने वाले आशीर्वाद के लिए मंच तैयार करता है। आपकी यात्रा कठिन रही होगी, लेकिन इसने आपको लचीला बना दिया है। इसने आपको धैर्य, दृढ़ता और विश्वास सिखाया है। और अब जब आप एक नए अध्याय के कगार पर खड़े हैं, तो आप देखेंगे कि प्रत्येक पाठ महत्वपूर्ण क्यों था। चीजों की भव्य योजना में हर चुनौती उस सफलता की ओर एक कदम थी जो आपका इंतजार कर रही है। बहुत जल्द आप वहां दरवाजे खुलते हुए पाएंगे जहां आपने कभी दीवारें देखी थी। अवसर स्वयं को सबसे अप्रत्याशित तरीके से प्रस्तुत करेंगे। बहुत जल्द आप वहां दरवाजे खुलते हुए पाएंगे जहां आपने कभी दीवारें देखी थी। अवसर स्वयं को सबसे अप्रत्याशित तरीके से प्रस्तुत करेंगे। जब ये चमत्कार सामने आने लगेंगे, तो यह न केवल आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रमाण होगा, बल्कि आपके लिए मेरे पास मौजूद दिव्य योजना का प्रतिबिंब भी होगा। आपकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बनेगी। लोग आपकी यात्रा को देखेंगे और विश्वास और दृढ़ता की शक्ति पर विश्वास करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। याद रखें, सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करना नहीं है। ये यात्रा सीखे गए सबक और रास्ते में आप जो व्यक्ति बनते हैं उसके बारे में भी है। और तुम्हारी यात्रा, मेरे प्यारे बच्चे, मानवीय भावना की ताकत का एक प्रमाण है। यह विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने, विपरीत परिस्थितियां होने पर भी विश्वास बनाए रखने की कहानी है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपको इतनी सारी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा, लेकिन समय के साथ आप समझ जाएंगे कि वे आपको ढालने, आपके चरित्र को निखारने और आपके रास्ते में आने वाली सफलता के लिए आपको तैयार करने में आवश्यक थे। हर संघर्ष एक सबक था, हर आंसू आत्मा की सफाई था और हर झटका एक शानदार वापसी के लिए एक सेटअप था। दुनिया जल्द ही उन चमत्कारों को देखेगी जो आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। आपकी कहानी कई लोगों को पसंद आएगी, उन्हें आशा और दृढ़ संकल्प की शक्ति की याद दिलाएगी। यह उन्हें दिखाएगा कि चमत्कार होते हैं, सपने सच होते हैं और विश्वास से कुछ भी संभव है। लेकिन जब आप अपनी उपलब्धियों की महिमा का आनंद उठा रहे हों, तो विनम्र बने रहना याद रखें। यात्रा को याद रखें जो लोग आपके साथ खड़े थे और उस अनुग्रह को याद करें जिसने आपका मार्गदर्शन किया। अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के उत्थान, प्रेरित करने और प्रेरित करने तथा प्यार और सकारात्मकता फैलाने के लिए एक मंच के रूप में करें। हर पल का जश्न मनाएं, क्योंकि ये पल आपके द्वारा झेली गई कठिनाइयों का प्रतिफल है। अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करें, न केवल अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में, बल्कि आशा के संदेश के रूप में। लोगों को बताएं कि वे भी चुनौतियों से पार पा सकते हैं, कि वे भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और चमत्कार बस आने ही वाले हैं। इस नए अध्याय में मैं आपके साथ रहूंगा, जैसा कि मैं हमेशा से रहा हूं। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।
और आप पर प्यार बरसा रहा हूँ। चमत्कारों को अपनाएं, क्षणों को संजोएं और प्रेरणा देते रहें। बहुत जल्द मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक अलग कहानी बताने जा रहे हो। ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि चमत्कारों, आशा और असीम प्रेरणा की है। महादेव जी तुमसे कहते हैं, मेरे बेटे, जीवन एक यात्रा है जो चुनौतियों, खुशियों, परीक्षणों और उत्सवों के अनूठे मिश्रण से भरी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कहानी, अपनी लड़ाई, संदेह के क्षण और अपनी जीत होती है। हालांकि आपकी यात्रा कई लोगों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी होगी जो मानवीय भावना की ताकत और दृढ़ता की शक्ति को प्रदर्शित करेगी। हो सकता है कि आप अभी बाधाओं का सामना कर रहे हों, अतीत के बोझ से दबे हुए महसूस कर रहे हों या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित हों। लेकिन हमेशा याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक उजला दिन भी आता है। आपके वर्तमान संघर्ष आपको केवल आगे आने वाली जीत के लिए तैयार कर रहे हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो 888 टाइप करें। ये सच है कि जीवन आपके लिए हमेशा आसान नहीं रहा है। आपने ऐसे तूफानों का सामना किया है जो अंतहीन लगते थे, ऐसे पहाड़ों पर चढ़े थे जो दुर्गम लगते थे और ऐसी घाटियां पार की थीं जो उजाड़ लगती थीं। लेकिन हर कदम के साथ, हर चुनौती के साथ आप मजबूत, समझदार और अधिक लचीले हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको बदलाव नजर आने लगेंगे। जो चुनौतियां एक समय बहुत कठिन लगती थीं, वे प्रबंधनीय लगने लगेंगी। जो दर्द एक बार असहनीय लग रहा था वह कम होने लगेगा और जो सपने एक समय आपकी पहुंच से बाहर लगते थे वे आपकी पहुंच में होंगे। उतार चढ़ाव से भरी आपकी यात्रा कई लोगों के लिए आशा की किरण बनेगी। लोग आपके जीवन को देखेंगे, उन प्रतिकूलताओं को देखेंगे जिन पर आपने विजय प्राप्त की है और महसूस करेंगे कि वे भी अपनी चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं। वे देखेंगे कि असफलताएं अंत नहीं हैं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है जो आशाओं और संभावनाओं से भरा है। आपके द्वारा झेला गया हर घाव, आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू और आपके सामने आई हर बाधा आपकी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो अनगिनत आत्माओं को आगे बढ़ते रहने, कभी हार न मानने और हमेशा खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगी। जब अन्य लोग आपके परिवर्तन को देखेंगे, परीक्षण से लेकर विजय तक, तो उन्हें आशा मिलेगी। वे देखेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोई उठ सकता है, चमक सकता है और जीत सकता है। आपकी यात्रा ये याद दिलाएगी कि दृढ़ संकल्प, विश्वास और कभी हार न मानने वाले रवैये से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं है, ये यात्रा के बारे में है। यह आपके द्वारा सीखे गए पाठों, आपके द्वारा बनाए गए चरित्र और आप जो व्यक्ति बन गए हैं उसके बारे में है। हर चरण के माध्यम से, हर चुनौती के माध्यम से आपको आकार दिया गया है, ढाला गया है और परिष्कृत किया गया है। और जो व्यक्ति उभर रहे हैं वो शक्ति, साहस और अपार लचीलेपन वाला व्यक्ति है। जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर चलते रहें, उन लोगों की ओर हाथ बढ़ाना याद रखें जो संघर्ष कर रहे हैं। अपनी कहानी, अपनी अंतर्दृष्टि और अपना ज्ञान साझा करें। उन्हें बताएं कि वे अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं और दृढ़ता और विश्वास के साथ वे भी विजयी हो सकते हैं। कई लोगों को आपके शब्दों में सांत्वना, आपके अनुभवों में सांत्वना और आपके संकल्प में शक्ति मिलेगी। वे देखेंगे कि यदि आप विजय प्राप्त कर सकते हैं तो वे भी कर सकते हैं। आपकी कहानी उनके सबसे अंधेरे क्षणों में रोशनी की किरण होगी, आशा की किरण होगी जब सब कुछ खो गया होगा। आपको आश्चर्य हो सकता है कि आपको इतना कुछ क्यों सहना पड़ा, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हर चुनौती का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक परीक्षण आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा था और प्रत्येक असफलता आपको एक शानदार वापसी के लिए तैयार कर रही थी। आपकी जीत न केवल व्यक्तिगत जीत होगी बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। आप इस बात का जीता जागता सबूत होंगे कि यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ कोई भी शीर्ष पर आ सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।